इग्नेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहुकाल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले शुभकामनाएं उन लोगों को जिनका आज जन्मदिन है। शुभकामनाएं उन लोगों के लिए जिनकी आज हैप्पी एनिवर्सरी है। परमात्मा की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज के सुविचार में व्यक्ति को अपने जीवन में परछाई और आईने के जैसे दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आज की तारीख 12 जनवरी 2022, आज का वार है बुधवार। आज पौष माह का 25वां दिवस है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी 4:49 शाम तक रहने वाली है। इसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 12 जनवरी 2022 के सूर्योदय का समय है 7:15 सुबह, सूर्यास्त का समय है 5:44 शाम को, चंद्रोदय का समय रहेगा 1:29 दोपहर को, चंद्रास्त का समय है 3:16 अगले दिन सुबह तक। आज का नक्षत्र भरणी 2 बजे दोपहर तक रहने वाला है। तदुपरांत कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं आज के नक्षत्र के बारे में। जिन व्यक्तियों के नाम अक्षर ली, लू, ले और लाश शुरू होते हैं, वे लोग भरणी नक्षत्र के माने जाते हैं। इनकी राशि होती है मेष, राशि स्वामी मंगल, तत्व की बात करें तो अग्नि तत्व से संबंध रखते हैं। गण इनका रहता है मनुष्य का, नाड़ी आदि, नक्षत्र देवता यम और स्वभाव से उग्र माने जाते हैं। आज की सूर्य राशि है धनु। आज की चंद्र राशि मेष 8:46 शाम तक रहेगी। इसके बाद चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश करेंगे। आज का पहला करण ग्रह 4:49 शाम तक रहने वाला है। इसके बाद आज का दूसरा करण वणिज्य 6:09 अगले दिन सुबह तक रहेगा। आने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार इस प्रकार रहेंगे। 12 तारीख को मासिक कार्तिकाई, राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जयंती। 13 तारीख को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और लोहड़ी भी होगी। आप सबको इस वर्ष की लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का योग साध्य 11:38 सुबह तक रहने वाला है। इसके बाद शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है। इसके निवारण के लिए धनिया, तुलसी और तिल का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से दिशाशूल का प्रभाव कम हो सकता है और आपकी यात्रा भी सुखद और मंगलमय हो सकती है। आइए जानते हैं आज के योग साध्य के विषय में। आपको यदि किसी से कोई विधि सीखनी हो, कोई तरीका सीखना हो, तो यह योग अति उत्तम माना गया है। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता भी मिलती है। यदि आप साध्य योग में पैदा हुए हैं तो आप एक मेहनती, कूटनीतिक और दृढ़ निश्चयी वाले व्यक्ति हैं। आप अपने काम में विश्वास रखते हैं और आपको भारी वित्तीय लाभ प्राप्त होने और सामाजिक मान्यता प्राप्त होने की संभावना दिखाई देती है। आज का शुभ समय आज का विजय मुहूर्त 2:13 दोपहर से 2:54 दोपहर तक रहने वाला है। आज का ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:27 सुबह से 6:21 सुबह तक। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त और राहु काल लगभग एक ही समय पर होते हैं। शुभ समय के साथ साथ अशुभ समय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आज का अशुभ समय 12:29 दोपहर से 1:48 दोपहर तक रहेगा राहु काल का समय। आज के यमगंड काल का समय रहेगा 8:34 सुबह से 9:52 सुबह तक। इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। आज बहुत ही सुंदर सुंदर दो योग दिखाई दे रहे हैं। पहला योग है सर्वार्थ सिद्धि योग, जिसका समय रहेगा 2 बजे दोपहर से 7:15 अगले दिन सुबह तक।
आज का रवि योग पूरे दिन तक रहने वाला है। मित्रों, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो अनेक प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य शुरू किए जा सकते हैं, दोनों में ही सफलता मिलती है। लेकिन इसके साथ ही साथ राहु काल यमगण काल का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, इन दोनों समय में कार्य शुरू ना करें। आज के दिन के चौघड़िये में लाभ समय रहेगा 7:19 सुबह से 8:37 सुबह तक। अमृत समय है 8:37 सुबह से 9:53 तक। शुभ समय 11:11 सुबह से 12:29 तक रहेगा। चर समय 3:05 शाम से 4:21 तक रहने वाला है। लाभ समय 4:21 से 5:40 तक रहेगा। रात के चौघड़िया में शुभ समय रहेगा 7:21 शाम से 9:04 शाम तक। अमृत समय 9:04 शाम से 10:45 रात्रि तक रहने वाला है। चर समय 10:45 से 12:29 मध्य रात्रि तक रहेगा। लाभ समय 3:54 अगले दिन सुबह से 5:37 अगले दिन सुबह तक होगा। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।